हेलो गाइस, दिस इज जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज पेन रिलीविंग वीडियोस के अंदर एक बहुत ही सुंदर वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। सूरज जी का हमारे पास एक कमेंट आया, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर एसओपीज को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे बनाते हैं, ये चीज हमको समझा दीजिए। मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी सीखिए, क्योंकि एसओपी को बनाने के कई सारे फायदे हैं। एसओपी को अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको ये समझ लीजिए अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि एसओपी की हेल्प से आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपकी क्वालिटी मेंटेन होती है, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी ये समझ लीजिए कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपकी जो कहते हैं ना ट्रेनिंग की कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है, कम्युनिकेशन के क्लैशेस बहुत कम हो जाते हैं। यही तो आप चाहते हो, यही मैं भी चाहता हूं। तो मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी सीखिए। इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज से पहले, यानी कि पहली बार जब आपने मैगी को खाया था, जब भी आज तक आपको टेस्ट सेम मिला होगा। क्यों? क्योंकि जब पहली बार आपने मैगी को बनाया था तो उसके पीछे एक पूरा मैनुअल लिखा होता है कि इतना पानी लेना है, इतनी देर के बाद उसको बॉईल करना है, इतनी देर के बाद उसमें मैगी को ऐड करना है, मसाले को ऐड करना है, जो भी है उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होता है। और वही होती है एक छोटी सी एसओपी, और यही एसओपी, इसी एसओपी की वजह से आपको आज तक टेस्ट सेम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस उस समय पर भी सेम था, प्रोसेस आज भी सेम है, प्रोडक्ट उस समय पर भी सेम था, प्रोडक्ट आज भी सेम है। क्यों? क्योंकि एसओपी बनाने से आपकी क्वालिटी मेंटेन होती है, आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपकी इफिशियंसी मेंटेन होती है, आपका टेस्ट मेंटेन होता है, आपकी कई सारी चीजें मेंटेन होती है। और जब ऐसा होता है ना तो कस्टमर उस चीज को पसंद करता है और अपने साथ में जीवन भर जोड़े रखता है। और देखिए, आपको एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कई बार अपने बालों पर डाई तो किया होगा, और जब डाई करते हो तो जो बेसिकली डाई होती है ना, उसके पीछे एक पूरा मैनुअल लिखा होता है कि काटने के बाद आपको किस तरीके से दोनों को मिलाना है, किस तरीके से मैश करना है, कितनी देर के बाद आपको अपने बालों पर लगाना है, कितनी देर के बाद आपको उसको धोना है, कितनी देर के बाद क्या करना है, वो सारा उसके अंदर लिखा होता है। और वही होती है एक छोटी सी एसओपी, उस मैनुअल को एसओपी कहते हैं। इसी वजह से आपको जो कहते हैं ना, आपके बालों पर कलर हर बार एकदम सेम आ रहा है, हर बार क्वालिटी एकदम सेम रह रही है, हर बार स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, हर बार आपकी इफिशियंसी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एसओपी बन चुकी है। मैं आपसे कहूंगा, आप भी अपने बिजनेस के अंदर एसओपी को बनाइए। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए, एक कोई हलवाई है, और वो जो हलवाई है वो एक ऐसी मिठाई बनाते हैं कि उतनी स्वीटेस्ट मिठाई और कोई नहीं बना सकता। अब सोच कर देखिए, अगर वो हलवाई कहीं पर चले गए तो उस मिठाई को कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे प्रोसीजर्स को तैयार नहीं किया, उन्होंने एसओपीज को तैयार नहीं किया। अब ये समझिए कि अगर जिस तरीके से वो मिठाई को बनाते हैं, वो सारा तरीका अगर उन्होंने एक पूरे पेपर पर उतार दिया, यानी कि बेसिकली उन्होंने सारे तरीके को स्टेप वाइज उन्होंने लिख दिया, पूरे प्रोसीजर को बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको हर कोई बना लेगा। यही तो आप चाहते हो। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई एक ऐसा काम करते हो जिसको कोई नहीं कर सकता, तो आप उसका एक प्रोसीजर बना दीजिए, जिससे क्या है कि उसको कोई भी नई भी मैन पावर अगर आएगी तो वो उसको इजीली कर लेगी, आपकी जरूरत वहां से खत्म हो गई, आप अपने बेसिकली एक बीच पर बैठ के लेमोनेड पियेंगे, आपका बिजनेस पीछे से बढ़ता रहेगा। यही आप चाहते हो, यही मैं भी चाहता हूँ। अब आपको बताता हूँ एसओपीज कैसे बनाते हैं। देखिए, एसओपीज को बनाने से पहले आपको एक चीज को देखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर ऐसी कौन सी टास्क है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम हम उसी टास्क को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। आपको वो टास्क पता लगने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यानी कि पहले आपको टास्क पता लगे, दूसरा आपने ये देखा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम को, मेरे को ठीक भी तो करनी है। आपको दोनों चीजें जब पता लग गई तो फिर आपको ये करना है कि उसके ए से लेकर बी तक, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो पूरी जर्नी है उसको डिफाइन करना है, यानी कि ए से बी तक की जर्नी कौन सी होगी। सपोज कीजिए, अगर कोई एक रेस्टोरेंट है, उसको अगर नूडल्स को प्रिपेयर करना है, तो नूडल्स को खरीदने से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो पूरी जर्नी है उसको डिफाइन करना है, यानी कि मेरे को कहां से नूडल लेने हैं,
कहाँ से उसके जो बेसिकली बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे को कहाँ से लेने हैं, कहाँ से उसके साथ की जो वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से लेनी है, और कौन लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, और जब मेरे पास आ जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, कितनी देर तक बॉईल करूँगा, कितने बेसिकली कितने टेम्परेचर पर उनको बॉईल करूँगा, कितनी देर के बाद उनको किस तरीके से प्रिपेयर करूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर देनी है। डिफाइन करने के बाद में तीसरा पॉइंट इसके अंदर बहुत ही सुंदर ये आता है कि आपको एक काम और करना है। वो क्या है कि जब आपने सारी चीजों को डिफाइन कर दिया है, फिर आपको करना है उनको सीक्वेंसिंग, यानी कि उनको एक सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि स्टेप वन में मैं क्या करूंगा लेकर आऊंगा, स्टेप टू में क्या करूंगा मैं इंग्रीडियंट्स लेकर आऊंगा, कहां से लाऊंगा ये भी बताना है आपको, स्टेप थ्री मैं उसके साथ में वेजिटेबल्स जो है वो भी लेकर आऊंगा, कहां से लाऊंगा ये भी बताना है, स्टेप फोर में क्या है कि मैं जब अपने बेसिकली अपने रेस्टोरेंट पर आऊंगा तो मैं किस तरीके से उनको बॉइल करूंगा, ये स्टेप फोर है, और भी आप आगे की प्रोसेस को लिख सकते हैं। जब आपने सारे के सारे स्टेप बना लिए, फिर आपको करना है कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो एक स्टेप को परफॉर्म करेगा, ये चीजें आपको लिखनी है, यानी कि प्रॉपर एक टास्क को कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको परफॉर्म करेगा। जब ये चीजें आपको पता होंगी तो जब भी अगर आपके बिजनेस के अंदर या आपकी उस टास्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होगा कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस गलती को किया है, आपको इजीली पता लग जाएगा। जब आपने सारी चीजें लिख ली कि ये स्टेप्स हैं, ये व्यक्ति इनको परफॉर्म करेंगे, फिर आपको करना है कि एक ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढने हैं कि जो उनके ऊपर हेड हो, एक ऐसे व्यक्ति आपको और भी ढूंढने हैं कि अगर उनको कोई भी जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की कंसल्ट करने की तो वो उनसे कंसल्ट कर सके, बेसिकली वो उसके एक्सपर्ट हो। एक व्यक्ति ऐसे और आपको देखने हैं कि जब ये पूरी टास्क होने के बाद में, होने से पहले और होने के बाद में वो उनको इन्फॉर्म करे, यानी कि वो बेसिकली वो उन सभी के ऊपर हेड है, तो क्या है कि वो उनसे इन्फॉर्म करते रहेंगे, उनका कम्युनिकेशन बना रहेगा। यही आप चाहते हो, यही मैं भी चाहता हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है आपके लिए एसओपी बनाने का। आप एसओपीज को बनाइए और उसी की हेल्प से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। एसओपी के होने से आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है, और जब इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो क्यों ना हमें इसको अच्छे काम को जरूर कर लिया जाए। मैं आपसे कहूंगा कि जो मैंने आपको आइडिया दिया है, जो आपको सजेशन दिया है, इसको इस बारे में जरूर ब्रेनस्टॉर्म करिए, मेरे को जरूर बताएं आपको कैसा लगा। और एक चीज आपसे तहे दिल से कहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए। हमारी इस वीडियो को आप भी लाइक करिए, दूसरों से जबरदस्ती लाइक कराइए, और अब तक हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से बताते रहिए।